कुरुक्षेत्र में हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं हरको के चेयरमैन अरविंद यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक प्रदेश का पहला ऐसा बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर एटीएम मोबाइल वैन से पैसा निकालने की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। अभी ट्रायल के तौर पर 19 जिलों में ये सुविधा शुरू की गई है, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि चेयरमैन अरविंद यादव देर सांय सेक्टर 7 में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच के निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चेयरमैन से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश अनुसार हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और सहयोग करने के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रहा है। इस सहकारी बैंक में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिनका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक ने किसानों को फसली ऋण के राशि 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख करने का निर्णय लिया है। इस राशि पर बैंक द्वारा 7% ब्याज लिया जाएगा, लेकिन जो किसान समय पर ऋण की अदायगी करेगा उसको 7% ब्याज माफ कर दिया जाएगा, जिसमें 4% ब्याज राज्य सरकार और 3% ब्याज केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वापस किया जाएगा। इतना ही नहीं, सहकारी बैंक ने गांव गांव घर घर जाकर मोबाइल एटीएम से पैसे निकलवाने की सुविधा देने के एटीएम मोबाइल वैन की सेवाएं शुरू की हैं। ये सेवाएं ट्रायल के तौर पर 19 जिलों में स्टार्ट की गई हैं। इस प्रकार की सेवाएं देने वाला सहकारी बैंक प्रदेश का पहला बैंक है। चेयरमैन ने कहा कि राज्य सरकार 730 पैक्स को कंप्यूटराइज करने जा रही है और दूसरे विभागों की तरह इस विभाग में भी नई तबादला नीति लागू करने जा रही है। वहीं सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद यादव के प्रयासों से सहकारी बैंक में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। देखिए, आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अरविंद यादव जी कोऑपरेटिव के हमारे चेयरमैन हैं हरियाणा के, और बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। और अभी मेरे साथ असम में, वहाँ पर हम एक महीना से चुनाव में बड़ा गहन वहाँ पर चुनाव प्रचार करके आए हैं, तो आज इनकी बैठक यहाँ पर 19 जिलों की इन्होंने बुलाई थी। आपको जैसे जिस तरह से इन्होंने बताया कि बहुत अच्छे जो पहले के कार्यकालों में नहीं होते थे, बहुत अच्छे सुझाव और बहुत अच्छे नए काम इन्होंने अभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए, इस बैंक को चलाना अच्छा और इसका ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँच हो, जो सरकार की हमारी माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी की सोच है वो नीचे तक जाए, उसको लेकर अरविंद जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज इन काम ने मैंने अपने घर पर यहाँ पर स्वागत किया। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।